आपको याद होगा 2023 के सितंबर महीने में चार मूवी एक साथ क्लैश हुई थी, जिसमें स्कंदा को छोड़ के और कोई मूवी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया और तीनों मूवी बुरी तरीके से फ्लॉप या फिर ठीक ठाक कलेक्शन करते हुए नजर आए। अभी इस अक्टूबर महीने में भी ठीक इसी तरीके की सिचुएशन फिर से देखने को मिला है, जहां बॉलीवुड से दो मूवी और साउथ से दो मूवी एक साथ क्लैश हो रही है। तो अभी देखने की बात यही है कि ये चारों मूवी भी अच्छा कलेक्शन कर पाएगा या फिर नहीं। अभी वो सब तो हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं वो कौन सी ऐसी मूवी है जो 20 सितंबर को रिलीज होगा और इस रेस में कौन सा मूवी बाजी मारता हुआ नजर आएगा। नंबर वन पे जो मूवी है उसका नाम है तेजस, जिसमें कास्ट के दौर में कंगना रानावत नजर आएंगे, जिसमें भारतीय पायलट तेजस गिल के भूमिका को एक्टर कंगना रानावत परफॉर्म करेंगे, जिसकी स्टोरी में हमें देखने को मिलेगा एक इंडियन एजेंट को कैसे पाकिस्तान के सोल्जर पकड़ लेते हैं और उसके बाद पायलट तेजस गिल किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन करके इंडियन एजेंट को बचाते हैं। ये सब चीज को आधार करके इस मूवी का स्टोरी है। मूवी का रिलीज डेट जहाँ 20 अक्टूबर है, वहीं मूवी का बजट 40 करोड़ बताया जा रहा है। भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। नंबर टू पे जो मूवी है उसका नाम है टाइगर नागेश्वर राव। एक्टर अभी तेजा की कास्ट में बनी है मूवी। हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा की भाषा में देखने को मिलेगा। मूवी की स्टोरी एक चोर के ऊपर आधारित है, जहां ये मूवी एक ही कैरेक्टर नागेश्वर राव के ऊपर फोकस करेगा। वहीं मूवी में अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस भी देखने को मिलेंगे। मूवी के बजट जहां 50 करोड़ बताया जा रहा है, वहीं ये मूवी भी 20 अक्टूबर को नजर आएगा। नंबर थ्री पे जो मूवी है उसका हाइप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहां पर भी नहीं है। मूवी का नाम यारियन 2, जो 2014 की यारियन का सिक्वल है, जिसमें पांच दोस्त देखने को मिलेंगे और फुल मूवी वही पांच दोस्त के ऊपर फोकस करेगा। नंबर फोर और आखिरी मूवी जिसका नाम है गणपत, टाइगर श्रॉफ और कीर्ति सैनन की कास्ट में बनी है मूवी कितना अच्छा है और कितना बुरा वो तो 20 अक्टूबर को पता चल जाएगा। लेकिन मैं अगर इस मूवी को वॉच करने जाऊंगी तो सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन जी के लिए, क्योंकि इनकी पिछली मूवी ब्रह्मास्त्र में इनका काम काफी जबरदस्त था। तो यही तो कुछ ये चार मूवी जो 20 अक्टूबर को नजर आएगा अपने अपने नियरेस्ट सिनेमा घरों के अंदर। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया था ये चारों मूवी के रिगार्डिंग, तो हाँ स्टोरी और कास्ट के हिसाब से टाइगर नागेश्वर राव और तेजस ये दो मूवी ऐसी होगी जो अच्छा कलेक्शन करेगा। बाकी इन चारों मूवी का फादर एक दिन पहले आई 19 अक्टूबर को अपनी खाता ओपनिंग कर लेगा और मेरा मानो तो ये चारों मूवी मिलके जितना कलेक्शन नहीं कर पाएंगे उससे कोई ज्यादा विजय थालापति की कास्ट में बनी मूवी लियो कर लेगा।